और ज्यादा जानकारी के साथ अहमद अजीम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद, अब तस्वीर लगभग पूरी तरह से साफ हो गई है। मुकुल रोहतगी कह रहे हैं कि 11 मई को अगली सुनवाई होगी लगभग 10:30 बजे, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से फ्लोर टेस्ट होगा, यानी कि एक सीडी दी जाएगी और साथ ही जो वोट्स हैं, क्योंकि जो वोट के पक्ष में है और जो वोट के पक्ष में नहीं है वो अलग अलग बैठेंगे। तमाम चीजें एक सील्ड एनवलप में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द करेंगे। अहमद, आपको मेरी आवाज़ दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया 10 मई को होगी, 11 मई को अगली सुनवाई होगी इस मामले में सुबह 10:30 बजे के आसपास। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि बागी विधायक, जो 9 बागी विधायक हैं, वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे, यानी कि एक बड़ा झटका माना जा रहा है केंद्र के लिए। कांग्रेस के 36 में से 9 बागी विधायक अगर हटा दिए जाएं तो कुल 27 का आंकड़ा बैठता है, जबकि बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए उन्हें 31 वोट चाहिए। बीजेपी 28 सीट है उनके पास और पीडीएफ की सीटें हैं 6। ये हम आपको आंकड़ों के जरिए समझा रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में जब सब कुछ सामने आएगा, जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो किस तरह से चीजें बैठेंगी। अहमद अजीम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अहमद, मुकुल रोहतगी की बातों से लगभग पूरी प्रक्रिया साफ हो चुकी है, ये साफ हो चुका है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट नतीजों की घोषणा करेगा और कोई ऑब्जर्वर नहीं होगा, ये अहम बात है। नेहा, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। जी अहमद, आपके लिए सवाल दोहरा देती हूँ। आपसे सवाल मेरा ये है कि सबसे अहम बात जो सामने आई है वो ये कि कोई ऑब्जर्वर इस फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया में नहीं होगा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट नतीजों की घोषणा करेगा और अगली सुनवाई 11 मई सुबह 10:30 बजे होगी। जी हाँ, बिल्कुल, 11 तारीख को सील बंद लिफाफे में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेजिस्लेचर है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो पूरे रिजल्ट्स के साथ, पूरे जो वोट्स हैं उसके साथ, जो कि सील बंद लिफाफे में होंगे, सीडी होगी जो कि वहाँ रिकॉर्डिंग होगी पूरी प्रोसीडिंग की, उसकी सीडी होगी, वो सारा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा और उस समय ही ऑफिशियली, एक तरह से समझें आप, कि इसको डिक्लेयर किया जाएगा। हालांकि जो MLAs वहाँ पर मौजूद होंगे, वोटिंग क्या हुई क्या नहीं हुई, वो अनऑफिशियली ज़रूर बाहर आएंगी चीज़ें, लेकिन ऑफिशियली जो डिक्लेरेशन होगा उसका, वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। हमारे साथ यहाँ पर जो स्पेशल स्पीकर हैं, जो उत्तराखंड के असेंबली के, उसके जो स्पेशल काउंसिल हैं वो भी मौजूद हैं, मुकेश गिरी साहब, उनसे भी बात करते हैं। मुकेश जी, ये बताइए पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगा, एक बार फिर से बताइए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2-सदस्यीय खंडपीठ ने माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा, माननीय न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए, क्या होगा प्रोसीडिंग, उसमें ये निर्देश दिए सख्त कि पहले तो 10 तारीख को, 10 मई 2016 को 10:30 बजे से 1 बजे तक राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा, और दूसरा 11 बजे से 1 बजे तक श्री हरीश रावत जी जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका शक्ति परीक्षण होगा, जो 10 बजे से 1 बजे, 11 बजे से 1 बजे तक होगा। दूसरा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उत्तराखंड सरकार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी विधानसभा को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि वो उसे वीडियोग्राफी करें और उनको एक साइड में जो मोशन के पक्ष में उन्हें खड़ा किया जाए और दूसरी साइड में जो मोशन के खिलाफ उन्हें किया जाए और वीडियोग्राफी करके उसका रिकॉर्ड यहाँ सबमिट किया जाए। 11 तारीख को प्रिंसिपल सेक्रेटरी विधानसभा उसे सबमिट करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के सामने 11 मई को लौटेंगे। तमाम जानकारी।